एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि हार्मोनियम्स और हार्मोफोन्स में क्या फर्क है। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हार्मोनियम्स का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग और साउंड एक ही होता हो, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है डेट और यहाँ भी लिखा है डेट, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का स्पेलिंग एक है और इन दोनों का साउंड भी एक है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग है। पहले डेट का मतलब होता है तारीख या दिनांक, जबकि दूसरे डेट का मतलब होता है खजूर। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स हार्मोनिम्स कहलाते हैं। अगर हम बात इन दो वर्ड्स की करें, तो यहाँ पहला वर्ड है बैंक, जिसका मतलब होता है किनारा, और दूसरा वर्ड है बैंक, जिसका मतलब होता है पैसा रखने की एक जगह। तो इन दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग एक ही है और इनका साउंड भी एक है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है, इसलिए ये दोनों वर्ड है हार्मोनिम्स। तो उस तरह के वर्ड यानी अ वर्ड दैट स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड हार्मोनिम्स। यानी वे सभी वर्ड्स जिनका साउंड और स्पेलिंग एक ही हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, उसे हम कहते हैं हार्मोनिम्स। अगर हम बात हार्मोफोन्स की करें, तो मैं आपसे कहूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स यानी दो ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है लेकिन उनका साउंड एक ही होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स लिखा है, पहला है फ्लावर और दूसरा भी है फ्लावर। पहले वर्ड का स्पेलिंग है FLOUR, जबकि दूसरे वर्ड की स्पेलिंग है FLOWER, और पहले वर्ड का मीनिंग है आटा जबकि दूसरे वर्ड का मीनिंग है फूल। तो इन दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग अलग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन इनका साउंड एक ही है जो है फ्लावर। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये दोनों वर्ड होमोफोन्स हैं, यानी इन दोनों का साउंड एक तो है लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग एक नहीं है, जो कि अलग अलग है। यहाँ लिखा है चीप, जिसका मतलब होता है सस्ता, और इसका स्पेलिंग है CHEAP, जबकि यहाँ पर लिखा है चीप, जिसका मतलब होता है चिड़ियों की चूचू की आवाज, लेकिन यहाँ पर चीप का स्पेलिंग है CHEEP। तो यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स का जो स्पेलिंग है वो अलग है, जो इनका मीनिंग है वो अलग है, लेकिन इन दोनों का साउंड एक है जो है चीप। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि ये दोनों वर्ड होमोफोन्स हैं, यानी इन दोनों का साउंड एक तो है लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है।